साउथ अफ्रीका के इन खिलाड़ियों से होगा भारत को बड़ा खतरा। आईपीएल में दिखाया था शानदार प्रदर्शन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 5 मैचों का T20I सीरीज खेला जाएगा 9 जून से और ये खिलाड़ी भारत के लिए हो सकते हैं बड़े खतरे। और पहले में नाम आता है डेविड मिलर का, जिन्होंने गुजरात टाइटंस को चैंपियंस बनाने में बड़ा योगदान दिया था। मिलर ने 481 रन बनाए हैं 143 के स्ट्राइक रेट के साथ और औसत तो और बेहतर नजर आती है 68.71 का। दूसरे में नाम आता है दूसरी नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का, जिन्होंने 508 रन बनाए 149 के स्ट्राइक रेट के साथ और उनका औसत रहा है 47 का। तीसरे में नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद के एडन माक्रम का, जिन्होंने 381 रन बनाए 139 के स्ट्राइक रेट के साथ और औसत इनका भी बेहतर नजर आता है 47.62 का। गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम नजर आता है कगिसो रबाडा का, जिन्होंने इस सीजन में 23 विकेट चटका हुआ है और 4 विकेट तो इन्होंने चैंपियंस टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ चटका था मात्र 33 रन देखे। मार्को येंसन भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छा करते हुए दिखे जब भी उन्हें मौका मिला और 7 विकेट चटका है उन्होंने इस सीजन में। तो वहीं पे MS धोनी के नेतृत्व में खेलने वाले ड्वेन पिटोरियस भी कुछ सीख लेते हुए दिख रहे हैं MS धोनी से और उन्होंने कहा है कि वो भी MS धोनी की तरह काफी काम रहना चाहेंगे और कोई भी सिचुएशन में मैच को जीता जा सकता है इस सोच के साथ उतरेंगे आने वाले मैचों में। तो दोस्तों आप हमें बताइए इन खिलाड़ियों में से आपको सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए T20I सीरीज में कौन लगता है, बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में और वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही बढ़िया क्रिकेट न्यूज के लिए। धन्यवाद।